कितना अच्छा हो कि आप इतिहास को किताबों में पढ़ने की बजाय उसे अपनी आंखों के सामने देख सकें। चौकी नहीं, ऐतिहासिक स्थलों पर पहुंचकर इतिहास आपकी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। हम बात कर रहे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से करीब 360 किलोमीटर दूर स्थित शिवसागर की, जहां अहोम राजाओं की निशानियां हर ओर बिखरी हुई दिख जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ठाकुर से भी चैनल। असम में शिवसागर एक धरोहर स्थल है, क्योंकि यहां पूर्ववर्ती अहोम राष्ट्र के बहुत से स्मारक स्थित हैं। अब यह एक बहुसांस्कृतिक शहर है। आज हम यहाँ के तीन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला विष्णुदोल मंदिर, दूसरा जयसागर तालाब, तीसरा रंगघर। इन तीनों मंदिरों में विष्णुदोल की खासी चर्चा होती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की प्रतिमाएं स्थापित है। मुख्य मंदिर के पीछे भगवान सूर्यदेव तथा भगवान गणेश के मंदिर भी बने हुए हैं। अगर आप देश के कुछ खूबसूरत वस्तुकलाओं को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ आकर अपार खुशी होगी। यकीनन आप अहम योग की इस उत्कृष्ट कला की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। यह अहोम राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंह द्वारा तैयार कराया गया असम का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है। रुद्र सिंह ने अपनी माता जयमती की याद में इसे तैयार करवाया था। राजा ने सरोवर के उत्तरी छोर पर तीन मंदिर भी बनवाए, जिनमें जयदुल या केशव नारायण विष्णुदुल की खासी चर्चा होती है। विष्णुदोल इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक विष्णु टेम्पल्स इन इंडिया। इट इज टू द वेस्ट ऑफ देवीडोल। सिमिलर टू देवीडोल, दिस टेम्पल इज ऑल्सो 60 फीट हाई। द वैष्णवाइट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी डिड नॉट बिलीव इन आइडोल वर्शिप। दे बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीवन एंड दैट वी मस्ट सीक हिम विद इन आवर सेल्व्स एंड मस्ट वर्शिप innately with the god in mind. No form must be used to represent god in the form of deity. As a result, the Vishnudol has no idol inside the sanctum sanctorum. Similar to the golden temple in Amritsar, the Vishnudol has a book inside the main chamber. It is Srimanta Shankardeva's Namaghosh, a book that recites praises of Lord Krishna. Located in the heart of Shivasagar district, Vishnudol is a famous tourist destination in Assam, along with Shivadol and Devidol. This temple is located on the bank of a 200-year-old tank named Shivasagar. It was built during the reign of Ahom dynasty and is dedicated to Lord Vishnu and his incarnations. It was constructed by Queen Madambika, wife of Ahom King Swargadev Shivsingha, in 1734. दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिवसागर में स्थित ऐतिहासिक जयसागर तालाब की। यह एशिया का सबसे बड़ा मैनमेड टैंक है, जिसे यहाँ के अहम किंग स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने 1697 में बनवाया था। राजा रुद्र सिंह ने अपनी माता जयमती की याद में इसे तैयार करवाया था। राजा ने सरोवर के उत्तरी छोर पर तीन मंदिर भी बनवाए, जिनमें जयदुल या केशव नारायण विष्णुदुल की खासी चर्चा होती है। इस विशाल जलाशय का निर्माण 45 दिन में करवाया गया था। This enormous tank is said to be the largest man-made tank in Asia.
The unique feature of this tank is that the water level is same throughout the year and the water level is at a higher level than the ground. A walk around it will be good physical exercise. Dug during the Ahom era, this place requires good preservation. A college is situated in the banks of this great tank. दोस्तों अब हम बात करेंगे शिवसागर जिले में स्थित ऐतिहासिक रंगघर की। यह दो मंजिला इमारत शिवसागर जिले के जयसागर इलाके में स्थित तलातल घर से उत्तर पूर्व की ओर है। इसे अहोम राजा स्वर्गदेव प्रमथ सिंह ने बनवाया था। अहोम काल में यह राजघराने के सदस्यों के लिए आमोद प्रमोद और खेलकूद का स्थल हुआ करता था। इसमें बैठकर वे विभिन्न युद्धों आदि खेलों का आनंद लिया करते थे। आपको इसकी बनावट बहुत पसंद आएगी। ऐसा लगता है जैसे छत पर उल्टा करके कोई नाव रख दी गई हो। इसे एशिया की सबसे पुरानी रंगशाला भी माना जाता है। एशिया की प्राचीन रंगशाला यह दुमंजिला इमारत जयसागर इलाके में ही स्थित है। रंगघर वास द रॉयल पवेलियन एंड गेम्स एरिना कमीशन बाई किंग प्रमथ सिंहा। हियर द रॉयल फैमिली एंड नोबलमैन यूज्ड टू वॉच ड्यूल्स बिटवीन men, birds and animals. The area around the pavilion is manicured with floral gardens. राज्य के सभी प्रमुख स्थानों से शिवसागर तक बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। निकटतम हवाई अड्डा जोरहट यहाँ से 75 किलोमीटर तथा डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा 95 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। धन्यवाद।